हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन आवर होम। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4, जिसका हेडिंग है वचन। वचन मीन्स नंबर, मतलब नंबर्स यानी जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, कितने पेन हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वचन नंबर। तो मैं आपको इसको पढ़कर समझाऊंगी। अब वचन की परिभाषा स्टार्ट करते हैं हम वचन की परिभाषा से। शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द मतलब एक ऐसा शब्द जिससे किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, इनके एक से अधिक होने का, एक का होने का या अधिक होने का बोध हो, मतलब किसी एक चीज़ होने का बोध हो या अधिक चीज़ होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब देखिए, चित्रों को देखिए और उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखिए, आपकी बुक में क्या है? मछली तैर रही है। एक मछली तैर रही है और इधर मछलियाँ तैर रही हैं। आपको यह एग्जाम्पल दिया गया है। आप अपनी बुक में देखेंगे कि एक मछली का पिक्चर शो हुआ है और फिर बहुत सारी मछलियों का पिक्चर शो हुआ है। तो एक मछली तैर रही है मतलब सिंगल मछली, एक मछली तैर रही है तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन। और मछलियाँ तैर रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी? समूह में तैर रही है, मतलब ग्रुप में तैर रही है, तो बहुवचन हो जाएगा। पहले चित्र में एक मछली है जबकि दूसरे चित्र में एक से अधिक अर्थात तीन मछलियां हैं। इसलिए पहले वाक्यों में एक मछली का बोध कराने के लिए मछली शब्द और दूसरे वाक्य में अधिक मछलियों का बोध कराने के लिए मछली शब्द का रूप बदलकर मछलियां हो गया है। शब्दों के ये रूप उनके वचन के बारे में बताते हैं। अब देखिए, पहली जो पिक्चर है उसमें एक मछली तैर रही है, तो उसमें हमने क्या लिखा है नीचे वाक्य? मछली तैर रही है, मतलब एक मछली तैर रही है। अब जब तीन मछलियों का जो पिक्चर से सेकंड नेक्स्ट पिक्चर है उसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है? मछलियाँ, मतलब एक से ज़्यादा मछली, तो उसको क्या बोलेंगे? मछलियाँ। तो जब एक मछली है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ? मछली। और तीन मछली है तो मछलियाँ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसके हम भेद पढ़ेंगे, वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब मैं आपको वचन के भेद के बारे में बताऊंगी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से एक चीज़ का या एक व्यक्ति का, किसी का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। अब देखिए, आपकी बुक में ये पिक्चर शो हुई है, एक गेंद है, एक घोड़ा है, एक चिड़िया है और एक पुस्तक है, मतलब किताब। ये पिक्चर्स देखिए आप, इसमें एक एक चीज़ शो हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक वचन। ये सभी संज्ञा शब्द एक वचन के हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए बहुवचन। इसमें आपको क्या है? दो बॉल हैं, दो घोड़े के टॉयज हैं, फोर बुक्स हैं और तीन चिड़ियां हैं, मतलब दो गेंद हैं, दो घोड़े के खिलौने हैं, चार किताब हैं और तीन चिड़ियाँ हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सभी संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे? बहुवचन। जो एक से ज़्यादा चीज़ है, मतलब एक गेंद होती तो उसे क्या कहेंगे? अब एक वचन। अब दो बॉल है तो उसे क्या बोलेंगे? बहुवचन। मतलब एक से ज़्यादा जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। नीचे एक वचन और बहुवचन शब्दों की तालिका दी गई है, इसे याद कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपको एक टेबल शो हुई है जिसमें एक वचन और बहुवचन, फिर एक वचन, फिर बहुवचन, ये देखिए आप। तो इसमें पहले कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? एक वचन। एक वचन मतलब जिसमें एक संख्या का, एक चीज का बोध होता है। अब देखिए मैं आपको बताती हूं, जैसे इसमें एक वर्ड है ताला। ताला क्या हुआ? एक सिंगल वर्ड हुआ, मतलब एक ताला। अब इसका बहुवचन क्या होगा? ताले। एक ताला एक वचन और ताले मतलब बहुवचन, मतलब तीन चार ताले, उससे अधिक ताले, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन और ये एक वचन। इस तरह से उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, जैसे माता माताएं, घोड़ा घोड़े, छात्रा छात्राएं, कमीज कमीजें, बहु बहुएं, लड़का लड़के। तो एक वचन में हो गया लड़का, बहुवचन में हो गए लड़के। जैसे एक लड़का जा रहा है या फिर बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, तो लड़का क्या है? एक वचन में आया और लड़के बहुवचन में। तो इसी तरह से आपको देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर भी ये आपको पहले एक वचन शब्द दिए, उसके बाद उसको बहुवचन बनाना बताया गया है। और इसके बाद आपको कुछ शब्दों के बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ शब्दों के क्या बहुवचन बनते हैं? दो प्रकार से बनते हैं। इसमें देखिए, जैसे पौधा, तो पौधे और पौधों, मतलब इसमें क्या है? वाक्य बनते हैं, तो वाक्य के अनुसार आपको शब्द प्रयोग करना है कि उसमें पौधे आएंगे या पौधों आएगा। जैसे देखिए, एक वर्ड है पौधा, इसके बहुवचन बनाएंगे तो
पौधे भी हो जाएगा और इसका एक और बहुवचन बनेगा पौधों। ये क्यों बनेंगे? ये शब्द ऐसे होते हैं जिसके दो बहुवचन बनते हैं। देखिए, अब अगर एक वर्ड है कि एक पौधा गुलाब का पौधा बड़ा हो गया, ये वाक्य है, सेंटेंस है, तो इसको आपको बहुवचन बना दो, गुलाब के पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और गुलाब के पौधों में पानी डाल दो, तो आप इसके क्या दो बहुवचन बन गए। मतलब एक गुलाब का पौधा है, फिर आपने ये सिंगल वर्ड यूज़ हुआ, अब पौधे, गुलाब के पौधे बहुत बड़े हो गए, मतलब गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं जो बड़े हो गए। फिर इसमें नेक्स्ट वर्ड है पौधों, मतलब गुलाब के पौधों में पानी डाल दो, तो गुलाब के पौधे क्या एक पौधा तो नहीं हुआ, बहुत सारे पौधे हो गए, तो आपने ये वाक्य कैसे बनाया, गुलाब के पौधों में पानी डाल दो। तो पौधे और पौधों, ये क्या हो गए, एक वर्ड जो पौधा होता है उसके दो बहुवचन बने। इसी तरह से आपका आँख, तो इसका आँखें भी होता है, आँखों भी होता है, घोड़ा, घोड़े और घोड़ों, लड़का, लड़के, लड़कों, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके दो बहुवचन बनते हैं। अब ये स्टूडेंट, आपको ये जो तालिका दी गई है, ये टेबल शो हुई है, इसमें आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, आपको उन्हें पढ़ना है और देखना है कि किस तरह से इन वर्ड्स के दो बहुवचन बनते हैं। स्टूडेंट, आपको इसकी बुक के एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही फिल करनी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको रिटर्न में सेंड करूँगी, जिसे आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। स्टूडेंट्स, आपकी सेकेंड की जो ग्रामर की बुक है उसमें आपके क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं आपको, लेकिन इसकी कॉपी बनानी है, वो कंपलसरी है। इसके मैं आपको वन या टू क्वेश्चन ही, ज़्यादा नहीं है, वन और टू क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको रिटर्न में सेंड करूँगी, उन्हें आपको कॉपी में लिखना है। आप ऐसा नहीं सोचें कि इसकी क्वेश्चन आंसर नहीं है बुक में तो आपको कॉपी प्रिपेयर नहीं करनी, आपको कॉपी बनानी है और इसकी बुक की एक्सरसाइज आप बुक में ही फिल करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको रिटर्न में सेंड करूँगी वो आप कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।